गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट राउंडिंग नंबर. राउंडिंग नंबर मीन्स एडजस्टिंग द डिजिट्स अप और डाउन टू मेक कैलकुलेशन इजियर. इट टेल्स अप्रोक्स वैल्यू ऑफ एनी नंबर. राउंडिंग नंबर जो है वो किसी भी नंबर की अप्रोक्स वैल्यू को बताता है, वो एक्चुअल वैल्यू को नहीं बताता है. स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू फाइंड राउंडिंग टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. टूडे वी विल लर्न अबाउट हाउ टू फाइंडिंग राउंडिंग नंबर टू द नियरेस्ट 10,000 एंड लैक. वेन वी राउंड अ नंबर टू इट्स 10,000 प्लेस और लैक प्लेस, वी कंसिडर द नेक्स्ट नंबर एट द राइट साइड ऑफ दिज नंबर. जब हम 10,000 प्लेस या लैक प्लेस के नंबर को राउंड ऑफ करते हैं तो उसके राइट साइड वाले नंबर को हम कंसीडर करते हैं. इफ द नंबर इज 5 और मोर देन 5, द नंबर एट द रिक्वायर्ड प्लेस इज इंक्रीज्ड बाय 1. अगर वो नंबर 5 है या 5 से ज्यादा है तो जिस नंबर को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं वो 1 इंक्रीज हो जाता है या उसमें हम 1 एड कर देते हैं. एंड ऑल द नंबर्स एट द राइट साइड बिकम 0 और उसके राइट साइड में जितने भी नंबर हैं वो 0 हो जाते हैं. इफ द नंबर इज लेस देन 5, द नंबर एट द रिक्वायर्ड प्लेस रिमेन सेम. और अगर नंबर 5 से कम है तो जो रिक्वायर्ड प्लेस पे, यानी कि जिस नंबर को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, वो नंबर सेम रहता है और बाकी उसके राइट साइड के नंबर 0 हो जाते हैं. लेट्स सी विथ एन एग्जाम्पल. इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं. सपोज दैट हमारे पास नंबर है 72,56,238. इसे हमें नियरेस्ट 10,000 में राउंड ऑफ करना है. तो हमारे वंस प्लेस पे है 8, टेंस प्लेस पे 3, हंड्रेड प्लेस पे 2, थाउजेंड प्लेस पे 6, 10,000 प्लेस पे 5, लैक प्लेस पे 2 और 10 लैक प्लेस पे 7 है. हमें 10,000 प्लेस को राउंड ऑफ करना है तो हम इसके राइट साइड में, यानी 1,000 प्लेस के नंबर को कंसीडर करेंगे. अगर वो नंबर 5 है या मोर देन 5 है तो जो 10,000 प्लेस पे डिजिट है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा. इसे हम इस टाइप से लिखेंगे, 72,56,238 इज राउंडेड. अब ये नंबर 1,000 प्लेस पे मोर देन 5 है, यानी कि 6 है, तो 10,000 प्लेस का नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा. यानी कि जब मोर देन 5 रहता है तो हम राउंडेड अप लिखते हैं. राउंडेड अप टू 72 लाख. 10,000 प्लेस का नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा, और बाकी इसके राइट साइड के सारे नंबर 0 हो जाएंगे. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. इसे एक और एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं. सपोज दैट हमारे पास एक नंबर है 34,43,756. इसे हमें नियरेस्ट लैक प्लेस को राउंड ऑफ करना है. तो लैक प्लेस को राउंड ऑफ करने के लिए हम 10,000 प्लेस को कंसीडर करेंगे. 10,000 प्लेस पे जो भी डिजिट है उसे कंसीडर करेंगे. हमारे वंस प्लेस पे 6 है, टेंस पे 5, हंड्रेड प्लेस पे 7 और 1,000 प्लेस पे 3, 10,000 प्लेस पे 4, लैक प्लेस पे भी 4 और 10 लैक प्लेस पे 3 है. हमें 4 लैक प्लेस के डिजिट को राउंड ऑफ करना है, इसलिए हम उसके राइट साइड, यानी कि 4, 10,000 प्लेस के नंबर को कंसीडर करेंगे जो कि लेस देन 5 है. यानी कि लैक प्लेस पे जो नंबर है वो
वही सेम रह जाएगा। तो इसे हम इस टाइप से लिखेंगे 34,43,756 इज राउंडेड। अब यहाँ हम डाउन लिखेंगे क्योंकि 10,000 प्लेस पे जो नंबर है वो लेस देन 5 है, यानी कि राउंडेड डाउन टू 34, यानी कि ये नंबर सेम रह जाएगा लैक प्लेस पे और बाकी जो इसके राइट साइड में नंबर है ये सारे जीरो हो जाएंगे। ये हमारा नियरेस्ट लैक प्लेस को हमने राउंड ऑफ कर। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट सी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ राउंडिंग नंबर। लेट सी विथ एन एग्जाम्पल। फाइंड द एस्टिमेटेड सम ऑफ 5,32,642 and 2,78,433 बाई राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट लैक। इन दोनों नंबर को नियरेस्ट लैक में राउंड ऑफ करके और हमें ऐड करना है। तो फर्स्ट हम कंसीडर करेंगे, अगर हमें लैक प्लेस को राउंड ऑफ करना है तो हम 10,000 प्लेस पे जो डिजिट है उसे कंसीडर करेंगे जो कि लेस देन 5 है। तो 5,32,642 इज राउंडेड डाउन टू 5 लैख। नेक्स्ट 2,78,433 में 10,000 प्लेस पे जो डिजिट है वो मोर देन 5 है, इसलिए लैक प्लेस का जो डिजिट है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 2,78,433 इज राउंडेड अप टू 3 लैख, यानी कि एस्टिमेटेड सम इक्वल टू 5 लैख प्लस 3 लैख। नेक्स्ट लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ सब्ट्रैक्शन। By rounding off to the nearest lakh, इन नंबर को भी nearest lakh में round off करके और हमें subtract करना है। तो first हम round off करते हैं 57,23,465 से nearest lakh में, हमें round off करना है, इसलिए हम 10,000 place पे जो number है उसे consider करेंगे जो less than 5 है, यानी कि 57,23,465 इज राउंडेड डाउन, लेस देन 5 है इसलिए हम राउंडेड डाउन लिखेंगे, राउंडेड डाउन टू 57 लैख। नेक्स्ट नंबर 23,57,342 को हम राउंड ऑफ करेंगे। हमें लैक प्लेस के नंबर को राउंड ऑफ करना है तो हम 10,000 प्लेस के जो नंबर है उसे कंसीडर करेंगे जो कि 5 है, तो हमारा लैक प्लेस का नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 23,57,342 इज राउंडेड अप टू, लेफ्ट प्लेस का नंबर हमारा 1 इंक्रीज हो जाएगा, यानी ये 2 और 4 हो जाएगा 24 लैख। नेक्स्ट
एस्टिमेटेड डिफरेंस हमें फाइंड करना है इक्वल टू 57 लाख माइनस 24 लाख इक्वल टू 7 में से 4 हमने माइनस किया तो 3 एंड 5 में से 2 माइनस किया तो 33 लाख। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी द मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ राउंडिंग नंबर। लेट्स सी विथ एन एग्जाम्पल। एस्टिमेट द प्रोडक्ट 5918 मल्टीप्लाइड 310। सबसे पहले हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे यानी 5918 को नियरेस्ट थाउजेंड में हम राउंड ऑफ करेंगे तो इसके राइट साइड में यानी कि हम लोग 100 प्लेस के नंबर को कंसीडर करेंगे जो मोर देन 5 है। तो 5918 इज राउंडेड अप टू 6000। ये हमारा इसके राइट साइड का नंबर मोर देन 5 है इसलिए 1000 प्लेस पे जो नंबर है वो 1 इंक्रीज हो जाएगा और बाकी सब 0 हो जाएंगे। अब हम लोग 310 को राउंड ऑफ करेंगे तो 310 इज राउंडेड, ये हमें 100 प्लेस के नंबर को राउंड ऑफ करना है इसलिए हम 10th प्लेस के नंबर को कंसीडर करेंगे। तो 10th प्लेस पे हमारा लेस देन 5 है यानी 1 है तो ये राउंडेड डाउन हो जाएगा और 300 हो जाएगा। एस्टिमेटेड प्रोडक्ट 6000 मल्टीप्लाइड 300 इक्वल टू 18 लाख। नेक्स्ट एस्टिमेट द कोसेंट। फर्स्ट हम लोग 2954 को इस्टीमेट करेंगे तो 2954 1000 प्लेस के नंबर को हमें इस्टीमेट करना है इसलिए हम लोग 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसे कंसीडर करेंगे जो कि मोर देन 5 है यानी ये 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो 2954 इज राउंडेड अप टू 3000। अब हम लोग 27 को राउंड ऑफ करेंगे तो 27 में हमें 10th प्लेस के नंबर को राउंड ऑफ करना है तो हम 1th प्लेस के नंबर को कंसीडर करेंगे जो कि मोर देन 5 है। तो 27 इज राउंडेड अप टू 30। नेक्स्ट एस्टिमेटेड कोसेंट। थ्री थाउजेंड डिवाइडेड 30 इक्वल टू 100। I hope you all understood. That's all for today. Thank you. Bye-bye.